बैठ कर अपना व्यवस्था बिगाड़ी क्या? बिल्कुल ठीक है, अभी हम चाहते ना अभी आपकी औकात नहीं थी पुलिस की, हमारी औकात नहीं है, ये औकात की बात है, पुलिस की दलाली कर रहा हो, सरकारों की दलाली कर रहा हो, फालतू बातें मत करिए, फालतू ही कर रहे हैं, सरकार की दलाली करने आए हो, ठीक है आप करते रहिए, सरकार की दलाली करने आए हो, कैसे तरीके से बात करें, कैसे तुम लगा रहे हो जैसे आतंकवादी है, नहीं आप यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, तुम्हारे बाप का देश है, हमारे बाप का देश है, तुम्हारे बाप का देश है क्या, हमारे बाप का देश है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, कैसे हैं नागरिक, कैसे नागरिक, तो तुम अत्याचार कर रहे हो हम पे, कैसे बात कर रहे हो, लाठी चार्जी दो, और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां जम्बूरी मैदान पर करनी सेना द्वारा दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। जी हां, आपको बता दें धरना प्रदर्शन के दौरान सभी करनी सैनिक जम्बूरी मैदान से मंदिर के यहां स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए निकले। जैसे ही जम्बूरी मैदान से करनी सेना निकले तो प्रशासन ने उन्हें महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर जाने से रोक दिया, जिसके चलते करनी सैनिक वहीं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस प्रशासन एवं करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह के बीच जमकर नोकझोंक हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां करनी सेना और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जम्बूरी मैदान पर करनी सेना द्वारा दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान जब करनी सैनिक जम्बूरी मैदान स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए निकले तो प्रशासन ने उन्हें महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर जाने से रोक दिया, जिसके चलते करनी सैनिक वहीं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस प्रशासन एवं करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह के बीच जमकर नोकझोंक हुई है।